Hello dear students, good evening everyone and welcome to day 4 of your chemistry class. In our previous classes, we had discussed about Dobereiner's triads and Newland's law of octaves. Now today, we are going to discuss about Lother Meyer's classification and Mendeleev's periodic table. So, हमारे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, but एक्चुअली उससे पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब क्लासिफाई हुआ उसके बाद एक छोटा क्लासिफिकेशन फिर से रिलीज हुआ था जिसका नाम था लॉथर्स मेयर क्लासिफिकेशन LOTHER MEYER. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मुझे कह रहे थे कि उन्हें नाम बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं साइंटिस्ट के, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने पूरे नाम लिख के एक साथ डाल रखे, तो आप वहां से देख के प्लीज स्पेलिंग्स प्रॉपरली अपने बुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके एंड यस, वन मोर स्मॉल थिंग विच आई नीड टू डिस्कस इज दैट कि आप लोग कॉन्स्टेंटली आज कौन सा क्लास है ग्रुप्स में पूछते हो व्हाट्सएप के, तो मेक इट श्योर या अपने दिमाग में बिठा लो कि आपका जो टाइम टेबल है वो अल्टरनेट है. मतलब आज अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास है तो कल आपका मैथ्स और बायो होगा, फिर परसों फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, फिर मैथ्स और बायो होगा. सो इस तरीके से आपका मंडे ट्यूजडे अल्टरनेटली चलता है. सो मंडे वॉज फिजिक्स एंड केम, अगेन वेनसडे को कुछ इस तरीके से आप एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक है. ओके और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने कुछ बच्चों के नाम की लिस्ट शेयर की थी, वो नाम उन बच्चों के हैं जिन्होंने आंसर्स दिए थे नीचे कमेंट्स में. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई अप्रिशिएट दोज चिल्ड्रन दोज हु आर ट्राइंग हार्ड टू गिव द आंसर्स रिस्पॉन्सेज. अभी भी मुझे फिर भी कई बच्चों के नाम नहीं मिले हैं, ये उतने ही बच्चों के नाम है जो वीडियो बनाने से पहले मेरे कमेंट कर चुके थे, तो किसी का नाम छूट गया तो हो सकता है कि मेरे वीडियो बनने के बाद आपने कमेंट किया हो, ठीक है. वेदांत स्मित और बहुत सारे जाहिरा, ये सारे बच्चे अभी भी हैं जिनके, दिव्या इशिता, जिनके मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे. सो आई डोंट नो यू आर वॉचिंग द वीडियोज और नॉट, इफ यू आर वॉचिंग देन प्लीज अपने नोट सिंसियरली बनाते चलो, नो इश्यूज. इफ यू डोंट वॉन्ट टू कमेंट नो इश्यूज, बट पढ़ते रहेंगे. ओके सो हम लोग देखने वाले हैं लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन. लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन आपके सामने मैंने बोर्ड पे बना रखी है. सो लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन एक्चुअली थी क्या, 1869 में लॉथर मेयर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस को रिलेट किया था एटम्स के. तो हमें पता है कि एटॉमिक मासेस तो ऑलरेडी डिस्कवर थे एटम्स के, राइट. न्यूलैंड के टाइम तक 56 एटम्स डिस्कवर हो चुके थे और फिर धीरे धीरे और एटम्स डिस्कवर होते गए और उनके एटॉमिक मासेस भी हमें पता चलते रहे. तो एटॉमिक मासेस और जब उन्होंने वॉल्यूम्स को कैसे रिलेट किया, क्योंकि हमें डेंसिटी का टर्म पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो डेंसिटी ऑफ एटम कैन बी इजीली फाउंड आउट कैसे, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसके अंदर हमें पता है कि कितने एटम्स पैक्ड है, तो उस एलिमेंट के प्रॉपर एक मास की, हमने सपोज एक मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया तो उसमें कितने एटम्स है वो फाइंड कर लिया, तो उसमें डेंसिटी हमें पता चल जाएगी. डेंसिटी पता चल गई, हमें एक एटम का मास तो पता चल ही रहा है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी करके, राइट. जब ये कर लिया तो हमें हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम्स मिल गई और एटॉमिक मासेस पता है. तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मासेस रखी, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम रखी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल ऑफ एटम्स, ठीक है. तो उन्होंने पर मोल ऑफ एटम्स के हिसाब से डेंसिटी जो निकाली वो मोल ऑफ सब्सटेंस में निकाली थी, ठीक है. इस तरीके से उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाली. अब इस ग्राफ में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन उन्हें मिली थी, यू कैन नोट डाउन दोज ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट थिंग वॉज दैट जिन भी एटम्स की हाइएस्ट वॉल्यूम थी, ठीक है, वो सारे ग्राफ के क्रेस्ट पे थे, सबसे ऊपर, ठीक है. तो ऊपर में जो एटम्स है उनका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और जो नीचे ट्रफ्स में होंगे, जो नीचे का पार्ट होता है उसका ट्रफ बोलते हैं, राइट. तो वहां पे जो एटम्स होंगे उनका वॉल्यूम ऑब्वियसली लीस्ट होगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में. अब सबसे ऊपर क्रेस्ट पे कौन से एलिमेंट्स है, जो अल्कली मेटल्स है, जो कि अल्कली मेटल्स है. फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हमारे लीना के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. आपको याद रखने के लिए तरीका, ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इस तरीके से आप सॉन्ग बना के याद कर सकते हो, फाइन. अब जो सबसे बॉटम में एलिमेंट्स थे वो कौन से एलिमेंट्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द कर्व्स, मींस एट द ट्रफ्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से, तो वैनेडियम हो गया, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, निकल, जो बीच के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है तो.
और उसके अलावा जो राइजिंग असेंडिंग क्रेस्ट था, असेंडिंग कर्व था, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, राइजिंग एज जो थी कर्व्स की, वहां पे उनको मिले थे हेलोजेंस, लाइक फ्लोरीन दिख रहा है आपको यहाँ पे राइजिंग कर्व पे, यहाँ पे क्लोरीन, फिर यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन वगैरह आगे के हेलोजेंस थे, ठीक है। वैसे ही जो डिसेंडिंग कर्व था, मतलब कि ट्रेल वाला एज जो था, ट्रेल, ठीक है, फॉलिंग एज या ट्रेलिंग एज, यहाँ पे उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिले थे, मतलब कि सेकेंड ग्रुप के मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, इस तरीके से गाना है उसको याद करने के लिए, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, छोटी बात है, कार काला शर्ट देना है, आराम से पापा रेडी हो ही जाएंगे, तो इसलिए वैसा करके उसको याद किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की। अब क्या ये क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, क्या आप इसको याद रख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कौन से पार्ट के कर्व पे कौन सा एलिमेंट है, जो हमें हमारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चाहिए हम उसको पिक कर लें, ठीक है। ठीक है, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सिमिलर पोजिशन पे सिमिलर एलिमेंट्स को रखा हुआ है, लेकिन उनको निकालना और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इतना इजी नहीं था। सो लिमिटेशंस ऑफ द लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वॉज दैट ओनली कि ये क्लासिफिकेशन हाइपोथेटिकल थी एंड इट वॉज नॉट सो इजी टू रिमेम्बर द पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड हेंस लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड और डिस्कार्डेड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ये सिर्फ इतना सा पार्ट है जो आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में नहीं है, दोज हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एक्स्ट्रा एग्जाम्स उनको ये जरूर काम आएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टूवर्ड्स आर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, होमवर्क में जो क्वेश्चन मैंने कमेंट करने के लिए बोला था आपको पिछली वीडियो में से कि न्यूलैंड्स के टेबल में से आप डोबरेनर के ट्रायड्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते तो कौन सा बताइए, तो उसमें सभी बच्चों ने लीना के का एग्जांपल दिया है। सो हम आपने बहुत सारे वहाँ पे गुड ट्राई, यू मेड अ वेरी गुड ट्राई कि आपने वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के ट्रायड्स बताए हैं, लीना के हो गया, आपने कॉपर रुबिडियम और कोबाल्ट का शायद कुछ बताया था, फिर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन का बताया था, हाइड्रोजन फ्लोरिन एंड क्लोरिन का बताया था। तो आपको एक चीज मुझे क्लियर करना है कि उस समय जब डोबरेनर का ट्रायड था सिर्फ 31 टू 33 एलिमेंट्स वर नो, राइट। तो उस समय पे ये जो बाकी के एलिमेंट्स थे जो आपने सेकंड से लेकर फोर्थ फिफ्थ तक अपने ट्रायड में कमेंट किए हैं वो नहीं थे एग्जिस्टिंग, उसमें से बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स लाइक कॉपर कोबाल्ट नहीं एग्जिस्टिंग थे, ठीक है। और इस वजह से न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल है, या फिर उनका जो पीरियोडिक टेबल नहीं बोलना चाहिए, न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन वाला टेबल है उसमें सिर्फ एक ही डोबरेनर का वैलिड ट्रायड अवेलेबल है, जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दैट्स इट। बाकी कोई भी ट्रायड्स लाइक आपने बोला हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, डोबरेनर ने इसको इस ग्रुप को एज अ ट्रायड क्लासिफाई नहीं किया था, तो ये आपका वैलिड डोबरेनर ट्रायड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दो इट वॉज अ गुड ट्राई बट आंसर सिर्फ फर्स्ट वाला ही आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। सो मेक इट क्लियर, फाइन। बाकी किसी को भी इस चीज का कंफ्यूजन हुआ हो सकता है तो प्लीज उसको आप क्लियर कर लें, ओके। नाउ पुट हेडिंग मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो है दिया हुआ डिमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने, सो इट इज एम ई एन, ओके, एम ई एन डी ई एल ई ई वी मेंडेलीव, ठीक है। सो इसको बोला जाता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडेलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं या सुन लो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जब जनरेट करने की मेंडेलीव ने कोशिश की उस वक्त उनको 63 एलिमेंट्स मालूम थे, कितने 63। सो 63 एलिमेंट्स जब उनको मालूम थे सो उस वक्त पे एटॉमिक मासेस का ट्रेंड तो चल ही रहा था, एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस कंसिडर करने का, तो उन्होंने उसके साथ एक नया वहां पे कुछ इंक्लूड किया दैट ही हैड ऑल्सो स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग द बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हाइड्राइड्स बोला जाता है,
और ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उनको ऑक्साइड्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स फॉर्म करने का जो उनका कैपेसिटी था उसको उन्होंने स्टडी किया। सो ही हैड इंक्लूडेड द केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ड्यूरिंग देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब उन्होंने एक मॉडल मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ दिया। सो यू कैन राइट डाउन द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। सो द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद कुछ एक सिक्वेंस में ये जो प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी वाली एलिमेंट्स में, ये रिपीट होती है। एक कुछ सपोज मैंने 8-10 एलिमेंट सिक्वेंस में रखे, तो जो 11वां एलिमेंट होगा अगेन इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, 12th वाला सेकंड एलिमेंट की, थर्ड वाला जो है वो थर्टीन्थ वाले के साथ मैच करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पीरियोडिकली साइक्लिक फैशन में जो प्रॉपर्टीज है वो रिकर हो रही है। हेंस द नेम केम अप पीरियोडिसिटी, जो ट्रेंड था वो पीरियोडिकल था, इसलिए वहां पे नाम आया पीरियोडिक टेबल। तो उसको डिस्कवर किया था मेंडेलीव ने, और वो एक पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी उनकी क्लासिफिकेशन में, इसलिए उसको नाम दिया गया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, क्लियर। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज वेरी मच रिमार्केबल इन हिस्ट्री, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अप द वर्ड्स लाइक पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो उनके पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। सो वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको ग्रुप्स बोला गया था, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको पीरियड्स बोला गया था, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइंड अप दीज टू टर्म्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी की थी एलिमेंट्स की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के मासेस भी ठीक किए थे, जैसे कि बेरिलियम का मास पहले 13.5 था, तो उन्होंने उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करने की वजह से उसकी करेक्ट पोजीशन समझी, कहाँ आ सकते पीरियोडिक टेबल में और उसके आगे पीछे कौन से एलिमेंट्स है, तो उसका मास डेफिनेटली उन दो एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए। सो दिस टुक हिम टू द फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ही फाइनली कंक्लूडेड कि बेरिलियम का मास जो होता है वो 9 होता है। इसी तरीके से उन्होंने गोल्ड, प्लैटिनम और वगैरह वगैरह बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस करेक्ट किए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने अब कैसे अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो रहते हैं वो अपने कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, और मेरे पास लिथियम है, लिथियम की वैलेंसी भी 1, हाइड्रोजन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों की वैलेंसी को एक दूसरे से तो आपको फॉर्मूला मिलता है लिथियम हाइड्राइड LiH। वैसे ही मैग्नीशियम वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो वैलेंसीज को, है ना। 9th का आपका बेसिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें आपने सीखा है। सो MgH2, है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड फॉर्मूला मिलता है, करेक्ट। तो इसको वैसे ही लिथियम की जगह सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इन जनरल कैन आई राइट इट लाइक दिस, RHR स्टैंड्स फॉर एनी एलिमेंट विद वैलेंसी 1। वैसे ही इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, RH2, R स्टैंड्स फॉर एनी एलिमेंट विद वैलेंसी 2, जैसे कि हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरियम, इनमें से कोई भी एलिमेंट होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ कैसे एलिमेंट्स बनाते हैं अपने बॉन्ड्स। लिथियम और ऑक्सीजन, लिथियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो आपको फॉर्मूला मिलता है Li(O)2, लिथियम ऑक्साइड, करेक्ट। सो फर्स्ट ग्रुप होगा लिथियम ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, पोटेशियम, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लिथियम ऑक्साइड Li2O, वैसे ही Na2O, K2O वगैरह वगैरह, है ना। अब नेक्स्ट अगर हमने मैग्नीशियम बनाया और ऑक्सीजन बनाया, दोनों का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1-1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO, करेक्ट है, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरल क्या आएगा, R2O, और यहाँ RO, तो R2O किससे सिमिलर है,
जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो RH और ऑक्सीजन से करेगा तो R2O। ऐसा फॉर्मूला बनाने वाले जितने एलिमेंट्स थे उन सबको मेंडेलीव ने क्या किया, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एक कार्ड के ऊपर लिख दिया नाम सभी एलिमेंट्स के, ठीक है, 63 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अब उन्होंने चेक किया कि कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, उन सब के फॉर्मूले उनके नाम के नीचे लिख दिए। ये RH बनाएगा, ये R2O बनाएगा, ये R2H बनाएगा, मतलब ये RO बनाएगा, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स RH फॉर्म कर रहे थे या R2O फॉर्म कर रहे थे, RH या R2O सभी वन वैलेंसी वाले एलिमेंट्स, इन सब के कार्ड्स को उठा के एक साथ पिनअप कर दिया और अलग रख दिया। वैसे ही नेक्स्ट उन्होंने क्यू कार्ड पे क्या किया, जो RH2 बनाएंगे या RO बनाएंगे ये सारे एलिमेंट्स के उन्होंने क्यू कार्ड्स को उठा के फिर से पिनअप कर दिया और एक साथ रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते उन्हें फाइनली 8 डिफरेंट ग्रुप्स मिले। कितने मिले? 8 डिफरेंट ग्रुप्स, वेरी गुड। सो उनके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, एक्चुअली मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। 7 ग्रुप्स वर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, 7 ग्रुप्स जो थे वो नॉर्मल एलिमेंट्स के थे। ये फर्स्ट ग्रुप होगा RH R2O, सेकंड ग्रुप क्या होगा RH2N RO होगा, करेक्ट। थर्ड ग्रुप क्या होगा RH3 R2O3 होगा। आप इसको टैली कर सकते हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 है ना, एल्यूमिनियम की 3 और ऑक्सीजन के 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3 मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो R2O3, करेक्ट। वैसे ही RH4 और RO2 एंड सो ऑन। तो उनको कितने ग्रुप्स मिले थे यहाँ पे, 7 ग्रुप्स मिले थे जिसमें से 8 ग्रुप्स मिले थे जिसमें से 7 ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स के थे और 8 ग्रुप वॉज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब आयरन कोबाल्ट निकल वाला रो जो बीच का है, फाइन। अब जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स थे इनको उन्होंने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था ए एंड बी में, इस तरीके से सभी को, ओके। और जो लास्ट वाला 8th वाला ग्रुप था उसको उन्होंने 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था ए बी एल सी में, 8A 8B एंड 8C, क्लियर। कितने रोज थे इनके पीरियोडिक टेबल में, तो इनके पीरियोडिक टेबल में 7 रोज थे ओरिजिनली देयर वर 12 पीरियड्स। सबसे पहला जब उन्होंने टेबल बनाया था तो 12 ग्रुप्स थे जिसको उन्होंने बाद में कम करते करते फिर ये उनका फाइनल क्लासिफिकेशन था जहां पे 8 ग्रुप्स थे, और वैसे 7 पीरियड्स थे जिसको उन्होंने फाइनली बाद में मर्ज करके 6 पीरियड्स रखे अपने पीरियोडिक टेबल में। सो 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। अब 6 पीरियड्स में उनके 1, 2 एंड 3 जो थे वो नॉर्मल सिंगल रो वाले पीरियड्स थे, लेकिन 4, 5 और 6 ये 3 में उन्होंने 2 सीरीज बनाई हुई थी ए एंड बी, अगेन ग्रुप्स के जैसे उन्होंने रोज को भी ए और बी में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। आई विल बी शेयरिंग द इमेज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, काइंडली गो थ्रू इट इन डिटेल, उसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, जितना मैंने यहाँ पे बोला है वो आपको उसमें क्लियरली समझ जाएगा, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच ही डिड वाज दैट उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी थी, किस चीज के लिए। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकली केमिकल प्रॉपर्टीज मैच की और हॉरिजॉन्टली एटॉमिक मासेस रखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मासेस तो चल रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन अब मेरा कोई एलिमेंट है सपोज जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में। अब नेक्स्ट एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ आता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच नहीं कर रही, उसकी प्रॉपर्टी फोर्थ ग्रुप में मैच कर रही, तो क्या मैं उसको जबरदस्ती थर्ड ग्रुप में रखूं जब उसकी प्रॉपर्टी केमिकल यहाँ पे मैच नहीं कर रही। तो आई विल प्लेस इट इन द फोर्थ ग्रुप ऑब्वियसली। अब तो यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ पे उन्होंने रख दी ब्लैंक स्पेस। ही थॉट दैट इन फ्यूचर हो सकता है जैसे अब तक एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ते जा रही है कोई और नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए जिसका एटॉमिक मास यहाँ पे आए और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शायद ये ग्रुप के एलिमेंट से मैच कर जाए, तो इसलिए उन्होंने ये जगह खाली छोड़ी, ठीक है। तो बहुत सारी स्पेसेस उन्होंने खाली छोड़ी थी जिसमें सबसे फेमस 3 जगह थी, ठीक है। बोरॉन के नीचे जगह खाली थी, उसको उन्होंने बोला था एक बोरॉन, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम की जगह नीचे खाली थी, उसको बोला था एक एल्यूमिनियम,
ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे कुछ जगह खाली थी एक, उसको उन्होंने नाम दिया एका सिलिकॉन, फाइन। और हुआ भी ये, लेटर ऑन दीज थ्री एलिमेंट्स इनकी जगह खाली रखी हुई थी ये डिस्कवर हुए और बोरॉन का नाम रखा गया स्कैंडियम, ठीक है, बोरॉन, एका बोरॉन लेटर ऑन व्हेन डिस्कवर्ड केम टू बी नोन एज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, एका सिलिकॉन लेटर ऑन केम टू बी नोन एज जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम एज देयर ग्रुप के बचे हुए एलिमेंट्स की जैसी। तो अगर स्कैंडियम की प्रॉपर्टी मैंने पूछी कैसी होगी तो इट वॉज वेरी सिमिलर टू बोरॉन, ठीक है, गैलियम की एल्यूमिनियम जैसी, जर्मेनियम की सिलिकॉन जैसी। लेटर ऑन ये पता चला कि स्कैंडियम और बोरॉन तो टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने बाद में उसको अलग से क्लासीफाई करते समय फिर सेपरेटली प्लेस किया, बट इस समय तक गैलियम एल्यूमिनियम जर्मेनियम सिलिकॉन एग्जैक्टली मैच कर रहे थे एक दूसरे से प्रॉपर्टीज के मामले में, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कहा कि एल्यूमिनियम Al2O3 फॉर्मूला बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो एका एल्यूमिनियम था, दिस इज एल्यूमिनियम, तो एका एल्यूमिनियम जिसको सपोजली गैलियम है वो एक्चुअली लेटर ऑन केम टू बी नोन एज, तो Ga मैं सपोज ई लेटर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि एका एल्यूमिनियम क्या है हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, ई से रिप्रेजेंट किया तो उसका और ऑक्सीजन का, उसका जब ऑक्साइड बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली सेम एज इट्स प्रायर एलिमेंट E2O3 ही रहेगा। अब ये गैलियम है हमें पता चल गया तो हमने इसको क्या लिखा Ga2O3, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट खूबसूरती क्या थी इनके पीरियोडिक टेबल की, कि एट द एंड ऑफ हिज क्लासिफिकेशन नोबल गैसेस फाइंड आउट हो गए। जब नोबल गैसेस मिल गए हमें तो अब क्या हो गया, नोबल गैसेस को कहाँ रखा जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो नोबल गैसेस जो थी ये बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस में अवेलेबल है नेचर में, एंड बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करती तो हमें वो मिलती भी नहीं थी जल्दी, ठीक है। तो हमें जैसे ही वो मिली जब डिस्कवर हुई तो हमने उसको रखने के लिए इस पीरियोडिक टेबल में जगह ढूंढी, तो हमें कोई जगह ढूंढने की एक्चुअली जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो तो किसी ग्रुप में आ ही नहीं रही थी, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करना था। सो दे गॉट वेरी इजीली अरेंज एट द एंड ऑफ द 8th ग्रुप, सो उनको एक सेपरेटली अलग ग्रुप बना के वहां पे उनको प्लेस कर दिया गया था, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास नोबल गैसेस के लिए भी इजीली वहां पे जगह मिल गई। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ये सारे गुडनेसेस थी, एडवांटेजेस थे, राइट। फर्स्ट एडवांटेज करेक्शन ऑफ फ्यू एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, सेकेंड एडवांटेज क्या था कि यूटिलाइज द केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मास, सो देयर वाज अ बेटर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड बेनिफिट क्या था कि नोबल गैसेस को इजीली रखने के लिए जगह मिल गई, और फोर्थ बेनिफिट ये था कि उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी थी कुछ एलिमेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर डिस्कवर हो सकते थे, जो पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया था, जिसके वजह से जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो उनको कहाँ रखा जाए ये प्रॉब्लम होता है और उनका क्लासिफिकेशन फेल हो जाता था, करेक्ट। So this was all about the Mendeleev periodic table. In our next class, we shall study the limitations of Mendeleev periodic table और फिर इसको सुधारने के लिए limitations को आगे क्या approaches लगाएंगे, ठीक है। So at the end of this video, I am sharing the periodic table. Please go through it and keep learning. You are doing good. You are making the class really interactive. And yes, in the next class, we'll have, मतलब day after tomorrow, मेरे ख्याल से हमारा chemistry का class होगा. We'll be having Zoom session, interactive session. So before that, I want you all to be ready with your notes. अब तक जितना मैंने पढ़ाया उसको revise कर लो, अपना homework कर लो और अपने doubts collect करके रखो, ठीक है? So that in next class, we can discuss the things and we'll have a thorough reading of the text as well. Fine. So till then, thank you and take care.